खाते हैं अब हम लोगों की मजेदार से कबाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पेशावरी कबाब, जिसके लिए हमने चिकन का कीमा लिया है 200 ग्राम। यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया है और यहाँ पे है मेरे पास बारीक कटा हुआ टमाटर, ये है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच है कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे है हरी मिर्ची और धनिया। तो ये है हमारे पास मसाले, 1 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक प्याज, टमाटर, बेसन, कॉर्नफ्लोर, हरी मिर्ची और धनिया मसाले। यहाँ पे हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये मसाले इस चिकन में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल भी शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर मैं इनको रेस्ट दूँगी ताकि एक जान हो जाए और इसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करके दिखाऊँगी आपको। यहाँ पे हम लोगों के कबाब सारे रेडी हो चुके हैं, तो इसको मैंने रेस्ट पे रखा है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इससे मैं कबाब बनाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस इतना सा ही हम लोग लेंगे और उसको अच्छी तरह से इस तरह बना लेंगे। तो इस तरह से हम कबाब को बना लेंगे और उसको हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। बाकी के सारे कबाब भी हम इसी स्टाइल में बनाएंगे। हम लोगों ने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें हम लोगों ने ऑयल शामिल कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इस कबाब को फ्राई करेंगे। ज़्यादा आग नहीं जलाएंगे ताकि हमारे कबाब अच्छी तरह से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जब हम लोग कबाब तेल में शामिल करेंगे तो उसको हम लोग 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं टच करेंगे। और अभी मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से पलट दूँगी इस तरह से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे हम लोग कबाब का दूसरा साइड भी चेंज करते हुए देखते हैं। तो ये दूसरी तरफ से भी पक चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों के मज़ेदार से कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आप चटनी और केचप के साथ ले सकते हैं। तो ये बेहद आसान है, कम बजट में तैयार होने वाला ये कबाब बेहद ही आसान है। आप मेरी ट्रिप और उसको फॉलो कीजिए, आपके कबाब इसी तरह बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे।